हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ MS चौहान। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन में सुधार हम देख चुके हैं। लास्ट आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। भक्तिज्म मूवमेंट में जितने भी चीज़ें डायमेंशंस हो सकते हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर चुका हूँ। इस पर मैंने स्पेशल शॉर्ट्स भी बनाए हैं, वो भी आप देखना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी वेरियस इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेगी, चाहे वो जनरल स्टडी के बारे में हो या फिर टेस्ट सीरीज के बारे में हो या फिर आंसर राइटिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, एक बहुत लंबा सफ़र रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से स्टूडेंट के साथ रूबरू होने का, तो एक सौभाग्य है कि हिस्ट्री में क्या पूछा जा सकता है, उसके क्या मायने हो सकते हैं, तमाम बातों पर हम चर्चा कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी समझ आपको देने की कोशिश करूँगा। आने वाले 10 से 15 मिनट आपको बने रहना है और हम सूफी आंदोलन से संबंधित तमाम प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्न हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के। सभी पर हम अच्छी पैनी नज़र बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी समझेंगे कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे हो सकता है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप 15 मिनट मेरे साथ रहें, इसमें हम जानेंगे सूफी आंदोलन क्या है और सूफी आंदोलन कैसे पनपा। देखो, सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में आया था। कहाँ से आया था? इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया था, जो भौगोलिक एरिया, वो ईरान था। तो सूफीवाद एक सुधारवादी आंदोलन था और ये ईरान के रास्ते आया था। दो संप्रदाय रहे हैं इस्लाम में, शिया और सुन्नी। इनमें काफ़ी मतभेद देखने को मिले होंगे। आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें भी आप शिया सुन्नी के बारे में लगातार पढ़ते रहें। समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में भी शिया सुन्नी के मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आज बात करेंगे शिया सुन्नी का जो मतभेद था उसको एक सुधार देने के लिए, इस्लाम में सुधार देने के लिए स्टैंड लेने वाले थे सूफीज्म। और सूफी मत के जो मानने वाले थे, जो सूफी शिष्य थे, जो मुरीद थे, उन्होंने पीर मुरीद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सुधारवादी आंदोलन को प्रसार प्रसार किया। और मानववादी धर्म था ये एकेश्वरवाद पर विश्वास रखता था। साथ ही बहुत सादगी से रहने वाले ये धर्म था, ये मत था। धर्म कहना उचित नहीं, इसे मत कह सकते अपन, या फिर इसे कह सकते हैं कि एक तरह का धर्म संघ हो सकता है। तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे ये लोग, सादगी से जीवन जी रहे थे, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। और एकेश्वरवाद वाली विचारधारा को सूफीज्म में वहदत उल वजूद कहा गया है, ये भी आप ध्यान रखें। आगे मैं चर्चा करूंगा इसका एक एक करके, लेकिन अभी के लिए एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सूफीज्म में कैसे भारत में एंटर किया गया। और साथ ही हम ये देखेंगे कि सूफी जो शब्द है वो सफ़ा से आया है, कैसे सफ़ा का अर्थ सूफी में तब्दील हुआ। एक अरबी शब्द है सफ़ा, वो सूफी में तब्दील हुआ, उसको जानेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि जो सफ़ा शब्द है वो एक तरह से पवित्रता का द्योतक था। है पवित्रता का द्योतक का मतलब ये होता है कि जहाँ शुद्धता हो, जहाँ पवित्रता हो, मतभेद दूर हो, और एक मानववादी धर्म के रूप के आया था सूफीज्म। तो सफ़ा शब्द से सूफीज्म की शुरुआत होती है और सफ़ा का मतलब होता है पवित्रता। आपने एक एडवर्टाइज भी देखी होगी, राजू श्रीवास्तव साहब जो कि दिव्यगंत हो चुके हैं, उनकी एक एडवर्टाइज बहुत ही फेमस रही है, पेट सफा, मतलब पेट की शुद्धि, पेट की पवित्रता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सफा शब्द पवित्रता का द्योतक है और वहीं से सूफीज्म की शुरुआत हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी तक इस्लाम में एक रैशनल सोच थी, तर्क और बुद्धि का प्रयोग हो रहा था और बुद्धिवादी दर्शन के रूप में इस्लाम दिख रहा था। लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद इस्लाम में कई त्रुटियाँ देखने को मिली और 10वीं शताब्दी में मुताजिल, मुताजिल का मतलब होता है बुद्धिजीवी या फिर तर्कवादी। तो मुताजिल जो प्रथा थी, जो दर्शन था, वो खत्म होता हुआ दिखता है हमें। और साथ ही जो पुरातन विचारधारा इस्लाम पर कब्जा कर रही थी, वो जन्म ले रही थी, और कुरान और हदीस पर आधारित थी ये सारी नई मान्यताएं, ठीक है। लेकिन उसको देखने का नज़रिया अलग था। तो इस्लाम में कई तरह की गड़बड़ियां हमें देखने को मिली है और फिर इस्लाम में इन गड़बड़ियों को स्टैंड तो किसको लेना ही होगा, तो स्टैंड लेने के लिए सूफीज्म की शुरुआत होती है। सूफीज्म जब आता है 15वीं 16वीं शताब्दी में, तो देखते हैं कि इस्लाम में बहुत सारे नवीन नवीन प्रयोग हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ ईश्वर की परिकल्पना, मानववाद, सादगी, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, बहुत सारी बातें हुई, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि इस्लाम में दो धर्म संघ का उदय होता है सूफीज्म के बाद।
सूफी जब आते हैं तो बाशरा और बेशरा ये दो धर्म संघ की विचारधारा थी वो पनपने लगती है। अब बाशरा कौन थे देख लो, जो इस्लाम में विश्वास रखते थे वो बाशरा कहलाए, और जो इस्लाम में विश्वास न रखते थे या फिर इस्लाम से बंधे हुए नहीं थे वे बेशरा कहलाए। देखो भारत के दो सिलसिले रहे हैं चिश्ती और सुरावदी, ये बाशरा को फॉलो करते थे मतलब इस्लाम में विश्वास रखते थे, लेकिन इनका थोड़ा उदारवादी दृष्टिकोण था, ऐसा नहीं था कि कट्टरवाद की ओर ये जा रहे थे। ये जो चिश्ती संप्रदाय है या फिर बात करें सुरावदी संप्रदाय, ये उदारवादी दृष्टिकोण में बाशरा को फॉलो कर रहे थे। बेशरा की बात करें तो ये साधु घुमक्कड़ होते थे, बिल्कुल सूफी मत में अपने आप को ईश्वर की प्रेमिका का मानते थे। तो प्रेम और ईश्वर इन दोनों का बड़ा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है सूफीज में, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं आगे सिलसिला क्या होता है। देखो कोई भी संप्रदाय होता है, जैसे हम भक्ति मूवमेंट में पढ़ चुके हैं कि कृष्ण संप्रदाय राम संप्रदाय, तो इस तरह से यहाँ भी सिलसिले को धर्म संघ कहा गया, धर्म संघ को सिलसिला कहा गया है सूफीज में, ठीक है। और 12 सिलसिले हुआ करते थे, हालांकि जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने अपने अलग अलग सिलसिले बताए हैं। अमीर खुसरो ने यहाँ पर हम देखेंगे कि 14 सूफी सिलसिलों की बात की है, लेकिन मुख्यतः हम बात करें मोटे तौर पर तो यहाँ 12 सिलसिले हमें देखने को मिलते हैं। अब सूफी मत और सूफी शाखा क्या कहती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 12 शाखा की बात की, लेकिन मुख्य शाखाओं की हम बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिश्ती सिलसिला की बात करते हैं। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत होती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। मोइनुद्दीन चिश्ती जब मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है 1192 का पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध होता है, और उस स्थिति में मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी के साथ आते हैं और यहाँ पर अजमेर में अपना निवास स्थान बनाकर सूफिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अजमेर इनका मुख्य केंद्र रहा सूफियों का, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संत रहे हैं सूफियों में जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बराबर ध्यान रखें। सूफिज्म में कुछ संतों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संतों के नाम मैच कीजिए या फिर उनके बारे में बताइए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो निज़ामुद्दीन औलिया थे, एक तरह के योगी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे निज़ामुद्दीन औलिया, इन्होंने सूफिज्म के चिश्ती संप्रदाय के ये रहे थे संत, इन्हें योगी भी कहा जाता था, महबूब इलाही भी कहा गया, तो इस तरह के नामों से बुलाया गया था निज़ामुद्दीन औलिया को। फिर हम बात करेंगे बाबा फरीद, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो सिद्धांत है वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर बख्तियार काकी, ये भी सूफी संत थे, और शेख बुरहानुद्दीन गरीब, तो ये दक्षिण भारत में दौलताबाद में अपना सूफी सिलसिला स्थापित करते हैं। तो इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है। और गेसुदराज, यहाँ ये बताना जरूरी था कि कौन कौन लोग थे जो चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे। आगे हम बात करेंगे सुरावदी सिलसिला। देखो सुहरावर्दी सिलसिले के जो प्रणेता थे या इसको शुरू करने वाले थे 12वीं शताब्दी में, शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, ठीक है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सुहरावर्दी सिलसिले को कौन प्रमोट कर रहा था, तो शेख साहब सिराबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, राइट। इसके ज़्यादा प्रमोट करने का किसका हाथ रहा है, तो वो है शेख बद्रुद्दीन जकरिया, जो कि उनका केंद्र मुल्तान सिंध और पंजाब में ये ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, फैला रहे थे। फिर एक और संत आए जो सुरावर्दी से जुड़े रहे, इनका नाम था जलालुद्दीन तबरीक जी, तो ये संत भी आप बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। और सुरावर्दी के एक संत और महत्वपूर्ण हैं जिनका नाम है सैयद सुर्ख जोश या फिर बुरहान, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला के संस्थापक 16वीं शताब्दी में हुआ और इसके संस्थापक थे अब्दुल कादरी जिलानी, याद, ठीक है, याद रखें अब्दुल काली जिलानी। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 16वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था या फिर 15वीं शताब्दी में, या फिर हम बात करेंगे अब्दुल कादिर जिलानी जो बगदाद में इसको एस्टेब्लिश करते हैं। भारत में मोहम्मद गौस करके एक व्यक्ति थे जो इसको प्रमोट कर रहे थे, और संगीत विरोधी था ये, थोड़ा कट्टर था ये, समा जो संगीत को बोला जाता है उसके विरोधी थे, शिया के विरोधी थे, और बहुत सारे रिफॉर्म्स तो हुए लेकिन ये कट्टरता की ओर भी कहीं ना कहीं उन्मुख था। दारा शिकोह जो मुगल सम्राट थे औरंगजेब के पुत्र, उन्होंने इस धर्म को माना जो कादरी संप्रदाय से संबंधित थे, और साथ ही गुरु इनके रहे हैं मुल्तान शाह बदख्शी। दारा शिकोह गुरु कौन थे? मुल्तान शाह बदख्शी, जो कि बाद में मोहम्मद गौस के बाद ये बने थे शिष्य परंपरा में, इनका वली बने थे, राइट।
अब बात करते हैं 16वीं शताब्दी में नक्शबंदी सिलसिला। बहुत ही कट्टर सिलसिला माना जाता है ये। इसके जो प्रणेता थे ख्वाजा उबैदुल्ला, और भारत में इसको फेमस करने में या फिर प्रसिद्ध जिला में बक्की बिल्ला का हाथ माना जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लोग व्यक्ति भी रहे हैं जो संत के रूप में माने गए, अहमद सरहिंदी, जो कि अकबर के समकालीन थे। वे भी नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। अब बात करते हैं फिरदौसी सिलसिला। देखिए दोस्तों, फिरदौसी सिलसिला के जो प्रणेता थे वो कहीं ना कहीं सुरावदी सिलसिला से ये रिलेट करते थे, तो उसकी शाखा के रूप में हम मान सकते हैं। बिहार में ये बड़ा फेमस हुआ था और शरीफुद्दीन यामहा इसके संत रहे हैं। फिर एक सिलसिला बड़ा ही फेमस है लेकिन ज़्यादा परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, तो याद रखें, इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि जो सत्तारी सिलसिला है 15वीं शताब्दी में एस्टेब्लिश हुआ था, अब्दुल सत्तार ने इसको एस्टेब्लिश किया था, और बिहार में इसका भी एक शाखा के रूप में देखा जा सकता है सुहरावर्दी की। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि ये सिलसिले कौन कौन से थे और कौन कौन लोग थे जो इसको प्रमोट कर रहे थे और कहाँ कहाँ इनका सेंटर था, उसके बारे में जान लिया। अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुल चिश्ती, जो कि मैं बता चुका हूँ पहले ही अजमेर में आके अपना चिश्ती सिलसिले को प्रमोट कर रहे थे, आगे बढ़ाते थे। फिर उसके बाद बाबा फरीद, वो भी चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। बाबा फरीद के शिष्यों के नाम पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में, तो याद रखें निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अलाउद्दीन जो सॉरी निजामुद्दीन औलिया, औलिया के जो शिष्य को क्या नाम थे, तो औलिया के शिष्य थे शफरुद्दीन यामा, सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, ये चार शिष्य बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे अमीर खुसरो। ऐसा माना जाता है कि जब निजामुद्दीन औलिया ने अपना शरीर त्याग दिया तो उनकी याद में एक दिन बाद ही अमीर खुसरो ने भी अपना शरीर त्याग दिया। इस तरह से शिष्य और मुरीद की जो परंपरा है, पीर और मुरीद की जो परंपरा है, हमें देखने को मिलती है, और कितना प्रेम था टूट इन गुरु शिष्य में, वो भी हम देख सकते हैं इस सूफिज्म में। तो सूफिज्म एक बहुत लिबरल रिलीजियस के रूप में देखा जा सकता है, लिबरल सोच के रूप में देखा जाता है, मानववादी था, तो इस तरह से सूफीज्म को आप देख सकते हैं। सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे हमीदुद्दीन नागौरी, जिनका नाम था सुल्तान ए तारकिन, तो इन्हें भी आप याद रखें। कई बार पूछ लिया जाता है कि सुल्तान ए तारकिन कौन थे, तो हमीदुद्दीन नागौरी, जो कि सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। यह प्रश्न आप याद रखें जरूर कि आईन अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी उसमें 14 सूफी सिलसिलों की बात की गई है। साथ ही जो ऋषि आंदोलन किसने चलाया था, तो ऋषि आंदोलन कश्मीर में चलाया था, और ये भी एक सूफी सिलसिला था ऋषि आंदोलन, और शेख नरुद्दीन ऋषि ने इसको चलाया था। और ये किससे संबंधित थे नरुद्दीन ऋषि, तो ये नरुद्दीन ऋषि भी सूफी विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है, यहाँ तक आप जान चुके हैं। अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर ली, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सूफी मत का और आपको बहुत फिलोसॉफिकल वीडियो देखना है, तो हमारी इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं कि सूफी को और गहराई से समझना चाहते हैं, सूफी मत को, सूफी आंदोलन को, तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और इसी तरह से बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डायरेक्ट ले लेना। ये पूरा पूरा आपको हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।